हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस पे रिलेटेड है। और चलिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका आंसर्स सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन आइटम हैव डैश एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिट। इट मीन्स इसमें पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी आइटम के थर्ड ऑर्बिट में, उसका डैश एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं उससे। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, मोर ज़्यादा होता है एनर्जी, या सेकेंड लेस कम होता है, या दोनों में सेम होता है, या नन ऑफ द एबव। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा मोर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट्स डैश एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, तो एनर्जी तो डैश एनर्जी करता है, एनर्जी को जो है अब गेन करता है, लॉस करता है या इमिट करता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा इमिट्स एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ आइटम। फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन है लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोर्थ है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है थर्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ए सेमी कंडक्टर हैज डैश बैंड। फर्स्ट ऑप्शन है ऑलमोस्ट एम्प्टी वैलेंस, सेकेंड है ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन, थर्ड है ऑलमोस्ट फुल कंडक्शन और फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है 2, ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डाइलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर नोन एज। ऑप्शन है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑप्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स इज डैश। ऑप्शन है वेरी लार्ज, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है वेरी स्मॉल और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा वेरी लार्ज। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इन अ कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स इज डैश। ऑप्शन है लार्ज, वेरी लार्ज, स्मॉल, वेरी स्मॉल और नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वेरी स्मॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ एटम एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एन ऑर्बिट ऑफ, ऑप्शन है एनी रेडियस, सर्टेन रेडियस, सम रेंज ऑफ रेडियाई और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है सर्टेन रेडियस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इन अ सेमी कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज अबाउट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स इन इंसुलेटर्स इज अबाउट, ऑप्शन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर दूसरे टॉपिक में मिलते हैं।